ओम शांति। भाग्यवान हैं वो आत्माएं जिन पर भगवान राजी हुआ है, और राजी होकर उन्होंने ऐसी आत्माओं को सर्व खजानों से भरपूर कर दिया है, खुशी के खजाने से भरपूर, दुआओं के खजाने से भरपूर, सह संकल्पों के खजानों से भरपूर, स्वमान से भरपूर। और ऐसी आत्माएं ही आगे चलकर दाता बनकर निरंतर अखंड दान करेंगी। वो दिन आ रहा है जब हम सब ये नजारा देखेंगे कि भरपूर आत्माओं के पास आकर लोग खुशी के खजानों से भरपूर होकर लौटेंगे, समस्याओं से मुक्त होकर लौटेंगे। वे कहेंगे, हमारे सिर पे हाथ रख दो, बस हम पे दृष्टि डाल दो, और आत्माएं निहाल होकर वापस जाएंगी। तो क्या हम स्वयं को सर्व खजानों से भरपूर करते जा रहे हैं? चिंतन करें, इसके लिए स्मृति स्वरूप होना, योगयुक्त होना, स्वमानधारी बनना, संपूर्ण पवित्रता की राह पे चलना परम आवश्यक है। स्वयं में सेवाओं का भी बल भरना होगा। और याद रहे, जहाँ सेवाओं में निमित्त भाव नहीं है वहाँ सेवाओं का फल जमा नहीं होता। कई लोग निमित्त भाव को बहुत कम समझते हैं। कई लोग केवल स्वयं सेवा करना चाहते हैं, दूसरों को नहीं करने देते या आगे नहीं बढ़ने देते, या दूसरों का विरोध करते हैं, या उनकी लैग पुलिंग करते हैं। ऐसी आत्माओं को सेवा का कोई फल और कोई बल नहीं मिलता। जिन्होंने चारों सब्जेक्ट में अपने खजाने भरपूर किए होंगे वे महादानी बनकर संसार के काम आएंगे। बहुत बड़ी सेवा हमारा इंतजार कर रही है। वो दिन आ गए, बस पहुंच गए हम उनके किनारे पर, जब इस संसार में बाबा की जय जयकार होगी। परंतु उससे पहले एक बार ये महायज्ञ पुनः अनेक विघ्नों से गुजरेगा, अग्नि परीक्षाओं से गुजरेगा, और फिर निखर कर बाहर निकलेगा। अनेक आत्माएं उस परीक्षा के दौर में इस यज्ञ से बाहर हो जाएंगी। ये कल्पवृक्ष, ये ब्राह्मणों का झाड़ फिर से हिलेगा। कमजोर आत्माओं को तो जाना ही चाहिए। जो अपवित्र वाइब्रेशंस फैला रहे हैं उनको तो चले जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पाप कर रहे हैं। तो आइए हम सभी अखंड महादानी बने, चलते फिरते संसार को हमसे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस का दान मिलता रहे, ब्राह्मणों को शक्तियों का दान मिलता रहे, क्योंकि अनेक कमजोर ब्राह्मण असहाय आत्माएं अब बाबा के बच्चे बन रहे हैं, उन्हें हमारी मदद की बहुत जरूरत है। तो हम ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में रहे जो चलते फिरते काम करते नेचुरल लाइफ में हमसे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस का दान सबको मिले, मुख के द्वारा ज्ञान रत्नों का दान मिले, मुख के द्वारा हम दूसरों की उमंग उत्साह को बढ़ाते रहें, हिम्मतहीन आत्माओं में हिम्मत भरते चलें, जो निराश हो गई हैं उनके जीवन में आशाओं के दीप जलाते चलें, दूसरों को वाचा की सेवा के द्वारा आगे बढ़ाने का श्रेष्ठ कर्म होता रहे, और कर्म के द्वारा प्रैक्टिकल लोग सीखते रहें कि योगी जीवन क्या होता है, सरल जीवन क्या होता है, स्ट्रेस फ्री लाइफ क्या होती है, इजी लाइफ गोइंग नेचर क्या होती है। तो ऐसी हम निरंतर सेवा के फील्ड में रहें, तो आज सारा दिन अभ्यास करेंगे, मैं चलता फिरता लाइट हाउस हूँ, मुझे निरंतर लाइट माइट चारों ओर फैल रही है, अपने से अपने अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैलती हुई देखेंगे,
जिधर भी दृष्टि जा रही है उधर किरणें फैल रही हैं, जिधर भी कदम पड़ रहे हैं किरणें फैल रही हैं, जिधर भी बात हो रही है उनको किरणें मिल रही हैं, संपर्क संबंध में आने वाले श्रेष्ठ वाइब्रेशंस लेकर जा रहे हैं। आज सारा दिन ये अभ्यास करेंगे। ओम शांति।